सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत जनपद है महाराजगंज, जहां एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जिसे देवदाह कहा जाता है। भारतीय इतिहास कहता है, बुद्ध का दर्शन कहता है कि ये स्थान वो है जो बुद्ध की ननिहाल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी खोज में ये पाया है कि ये स्थान बुद्ध की ननिहाल है। इतना ही नहीं, चीनी यात्री वेंगसांग फायांग भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी ये खोज की थी कि ये देवदाह है और यहाँ शाक्य कोलीय राजों का उपनिवेश ठहरा हुआ करता था और यहाँ तथागत बुद्ध की ननिहाल है, अर्थात उनकी माता महामाया प्रजा गौतमी का जन्म यहीं हुआ है। आज हम लोग वहीं पहुँचे हुए हैं, उसी गांव में हम पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ तमाम बुद्ध के अनुयायी हैं, यहाँ के राजा महाराजा हैं और सभी लोगों ने मिलकर के उस स्थान को देखा है जहाँ माता महामाया का जन्म देवदाह में हुआ था। आप पीछे देख सकते हैं ये टीला है, बाद में सम्राट अशोक के काल में पाल साम्राज्य में, सम्राट हर्षवर्धन के काल में, अन्य राजाओं के काल में इसे विकसित किया गया, डेवलप किया गया और बाद में जब बुद्ध के अनुयायी नहीं रहे, बुद्ध के दर्शन के मानने जाने वाले नहीं रहे, तो स्थानीय लोगों ने इसे देवी का रूप लेकर एक माता को मान करके पूजा पाठ किया है। आप देख सकते हो उसी तरह से घंटे लगे हुए हैं, एक मंदिर का रूप दे दिया गया है, लेकिन ये जगह ऐतिहासिक है। मेरे साथ आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, मैं चाहता हूं कि संक्षेप में इस स्थान पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर साहब जी, मैं डॉक्टर एस एस पटेल जनपद महाराजगंज का ही रहने वाला हूँ और ये बनारसिया कला जो ऐतिहासिक है, पूरी दुनिया में शाक्यों और कोलियों का यहाँ उपनिवेश था, यहाँ माता महामाया और महाप्रजापति गौतमी का जन्म हुआ और पीछे ये जो आप देख रहे हैं स्तूप है, ये स्तूप माता महामाया के नाम पर है जो बुद्ध की माता थी और बुद्धा माई कहते कहते ये कालांतर में चल के अपभ्रंश हो गया और इसको बुढ़िया माई के नाम से स्थानीय लोग जो है जानने और बोलने लगे। अब यह स्थान ऐतिहासिक रूप से जब जानकारी हुई वेंगसांग की डायरी से तब पता चला और अभी इस जगह को जो है इसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है और यहाँ शिवरात्रि पर मेला लगाते, लेकिन यह असली में ये स्तूप महामाया का है जो बुद्धा माई के नाम से फेमस था। बुद्धा माई कहते कहते ये बुढ़िया माई हो गया, अपभ्रंश हो गया, तो अब लोग बुढ़िया माई के नाम से जानते हैं, लेकिन यह महामाया का स्तूप है। इस जगह पर आज हम लोग खड़े हैं धम्म यात्रा में भंते सुमित रत्न जो इंटरनेशनल फेम के हैं, इनके साथ हम लोग हमारे तमाम साथी इस स्थल पर आए। हम आप सबका इस जगह पर सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नज़रें देवदाह पर है। मेरे द्वारा, तमाम राजनीतिक लोगों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा ये मांग की गई कि पूरी दुनिया में जो स्थान बोधगया का है, पूरी दुनिया में जो स्थान लुम्बिनी वन का है, पूरी दुनिया में जो स्थान कुशीनारा का है, वही रामग्राम और देवदाह का होना चाहिए। आने वाले समय में योगी सरकार या भाजपा की सरकार जो भी रहें, यहाँ पर पैसे भेजें और यहाँ का डेवलपमेंट कराएं, यहाँ स्कूल कॉलेज बनाएं, यहाँ के रोड चौड़े करवाएं, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को अपना होटल ढाबा खोलने का मौका मिले। जिस तरह से कुशीनारा में 10,000 विदेशी दर्शन करने के लिए आते हैं, इसी गांव में भी आगे चलकर के 10,000 लोग विदेशी दर्शन करने आए, आसपास के लोगों की ज़मीनें महंगी हों, यहाँ का विकास हो और ये स्थल, ये देवदाह बुद्ध की ननिहाल पूरी दुनिया में विकसित हो और पूरी दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका और चाहे वो जापान, कोरिया, थाईलैंड, सभी देशों के लोग आए, ऐसी हमारी मांग है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कभी महाराजगंज आइए तो देवदाह जरूर आइए, बुद्ध की ननिहाल आइए। ये सभी लोग हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हेलो।